हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चंपारण में श्री महाप्रभु जी की बैठक है, तो 33 नंबर की बैठक जी है, जो छठी बैठक जी कहलाती है, उसका इस वीडियो में आज हम दर्शन करेंगे। मेरी इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चंपारण में महाप्रभु जी का जन्मस्थल है इसका भी वीडियो और धर्मशाला की वीडियो भी और बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस की वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जरूर देख लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं अब चंपारण की बैठक जी में। देखो यहाँ छठी बैठक जी चंपारण का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मुखिया जी और कार्यालय का दोनों का नंबर मैंने इस स्लाइड में दे दिया है, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फ़ोन करके वहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ पे माँ बैठक जी के दर्शन का टाइम क्या है, मंगला श्रृंगार भोग राजभोग उत्तापन और झारे जी की आप सेवा करना चाहते हैं तो सुबह 8 o'clock से 11 o'clock तक झारे जी की सेवा भी आप कर सकते हैं। चंपारण बस स्टैंड से 400 मीटर की दूरी पर ये छठी बैठक जी स्थित थी। आप कोई भी धर्मशाला में रुके हैं, सुदामापुरी गोपाल धर्मशाला, तो वहाँ से नज़दीक में ही आप पैदल चलकर भी यहाँ पे छठी बैठक जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मंगला द्वार है पर यहाँ पे से हम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पिछले रास्ते से हम यहाँ पे ये बैठक जी के दर्शन करने जाएंगे। देखिए हम आ गए हैं, बैठक जी का ये पूरा गेट है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से 46 किलोमीटर दूर चंपारण एक बहुत महत्व का धार्मिक स्थान है और ये वैष्णव धर्म के पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थल है। चंपारण में दो मंदिर है, एक है प्रागट्य बैठक जी महाप्रभु जी का जन्मस्थल और मूल प्रागट्य मंदिर, ये दो मंदिर यहाँ पे चंपारण में है। इसके अलावा भी बहुत अन्य मंदिर है जिसका वीडियो भी आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ वल्लभाचार्य जी की 84 बैठक जी में से दो बैठक यहाँ चंपारण में स्थित है और चंपारण को पहले चंपाझार के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम चंपा के फूलों से जंगलों के नाम पर पड़ा था, जो अब यहाँ पे विलुप्त हो गए हैं। यहाँ पे बैठक जी के आगे मैंने स्लाइड में दर्शन का टाइम क्या है वो भी मैंने दे दिया है। श्री महाप्रभु जी के जन्म के अंतर यहाँ चंपे के वृक्ष के नीचे श्री लक्ष्मण भट्ट जी और श्रीमती इलम्मा गुरु जी ने छठी पूजन किया था। परम भगवतम श्री माधवानंद ब्रह्मचारी और श्री मुकुंददास सन्यासी को वस्तुतः कृष्ण एवं श्री मनावा गुरु जी ने व्रत ला के दर्शन यहाँ कराए थे, इसलिए यहाँ पे को श्री छठीगढ़ बैठक जी चंपारण का महत्व है। देखो वैष्णवजन, इस बैठक जी में आप कोई भी सेवा करना चाहते हैं मंगला की झारे जी की, तो आपको यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अप्रस की भी सुविधा है। यहाँ पे आप अप्रस करके भी सेवा कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये बैठक जी में अगर आप कोई भी श्रद्धालु रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकता है, यहाँ पे ठहरने की भी सुविधा है। यहाँ पे 2, 3, 6 बेड वाले एसी नॉन एसी कमरे उपलब्ध है। आप आगे स्लाइड में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, वहाँ से आप कॉल करके कोई भी रूम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और पास में ही 3-4 धर्मशाला और भी है, मैंने इसकी वीडियो मैंने मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ मैंने कमरे दिखाए हैं कैसे है, क्योंकि हम सुदामापुरी में रुके थे, यहाँ का अंदर का कमरा कैसा है वो मुझे मालूम नहीं है, पर यहाँ पर आप रुक सकते हैं वो मुझे पता है, वहाँ के मुखिया जी ने मुझे बताया था, तो मैंने आपको नंबर दिया है वहाँ से आप जान सकते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की
कुल 84 बैठक जी है। इसमें से दो बैठक जी यहाँ चंपारण में स्थित है। इसमें से पहली बैठक जी है वो प्रागट्य बैठक जी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेलास जी महाराज जी और परम पूज्य गोस्वामी श्री 108 श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री द्वारा सेवा की जाती है वहाँ। और दूसरी बैठक मूल प्रागट्य है, जिसे आमतौर पर छठी बैठक के रूप से जाना जाता है। इस मंदिर में सेवा काम वन में पंचम भाव के गोस्वामी श्री वल्लभ लाल जी और श्री रघुनाथ लाल जी द्वारा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक हवेली भी है और गौशाला भी है और चार पांच और मंदिर भी है चंपारण्य गांव में, तो आप वहाँ भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और सभी धर्मशाला मंदिर और सभी और दूसरी प्लेस की वीडियो भी मैंने सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वैष्णवजन, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है वीडियो। जय श्री कृष्णा दोस्तों।